नमस्कार बच्चों, मैं प्रहलाद राय, एग्रीकल्चर लेक्चरर, जीनियस मॉडल स्कूल सुरतगढ़ से। आज अपने करेंगे 12th एजी में बीज, जो एग्रोनॉमी का टॉपिक चल रहा है ना, बीज यानी सीड, बीज क्या होता है। ठीक है, अगर बात करें अपने बीज की तो मोटी मोटी बात यही है कि फसल उत्पादन क्या, फसल उत्पादन में सर्वोपरि स्थान बीज का है। फसल उत्पादन में सर्वोपरि स्थान बीज का है। साधारण सी बात है, यदि बीज नहीं तो पौधा नहीं। ठीक है, यदि बीज नहीं है तो पौधा नहीं है, इसीलिए हम एक बार कह सकते हैं कि फसल उत्पादन करना है तो बीज का सर्वोपरि स्थान है। बीज की बुआई करेंगे, अपने बीज डालेंगे भूमि में, तभी वो वहाँ पौधा उत्पन्न होगा, यानी बीज डालेंगे तभी फसल उत्पादन होगा। ठीक है, मुख्य बात ये है कि इसकी डेफिनेशन क्या है, बीज होता क्या है। ये तो हमें पता है कि बीज नहीं डालेंगे तो फसल कहाँ से, इस बात का तो हमें पता है, लेकिन बीज क्या होता है, बीज क्या चीज है, बीज का डेफिनेशन क्या है, मैं आपको बताता हूँ। देखो, इसे हमें दो तीन शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, कौन कौन से। एक है साधारण, जो आपके लिए आसान रहेगा, कि जीवित भ्रूण वाला दाना ही क्या कहलाता है, बीज कहलाता है, जीवित। ठीक है, जीवित भ्रूण वाला दाना, जीवित भ्रूण वाला दाना, जीवित भ्रूण वाला दाना, ये क्या चीज, ये क्या चीज, बीज, जीवित भ्रूण वाला दाना बीज कहलाता है। या फिर परिपक्व बीजांड को बीज कहते हैं। दूसरा, परिपक्व बीजांड को बीज, परिपक्व बीजांड, परिपक्व बीजांड को ही अपने क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। अब आप ये समझ लो कि परिपक्व बीजांड क्या है, माना कि ये कोई फल है। ठीक है, अब उस फल में जो पका हुआ बीज है वो क्या है, एक परिपक्व बीजांड है। ठीक है, उसे अपने परिपक्व बीजांड कहते हैं, और उसी परिपक्व बीजांड को क्या कहा जाता है, बीज कहा जाता है। तीसरे शब्दों में से अपने लिखते हैं बीज, फूल, पत्ती, तना, फूल, पत्ती और तना, जिसका वह भाग जो अपने समान रूप, जो अपने समान रूप के पौधे को जन्म देता है। समझ में आएगा, समान रूप के पौधे को जन्म देता है, यानी दाना, फूल, पत्ती अथवा तने का वह भाग जो अपने समान रूप के पौधे को जन्म देता है वो क्या कहलाता है, बीज कहलाता है। समझ में आएगा। अब बीज का आधार क्या है, यानी बीज कैसे तैयार होता है, बीज में सभी चीजें आती है। जैसे बीज उत्पन्न करने के लिए, बीज तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें एक उत्तम क्वालिटी का बीज होता है, उसमें क्या है, सिंचाई। ठीक है, सिंचाई करना, कवकनाशी, ठीक है, इसके अलावा शाकनाशी यानी खरपतवार, उनके बीज वगैरह उसमें मिक्स ना हो जाए, ये सब क्या है, एक अच्छे बीज तैयार करने के आधार है, जिसमें सिंचाई करना, शाकनाशी वगैरह, कवकनाशी वगैरह डाल के, ठीक है, उसको एक अच्छी फसल के रूप में तैयार करके उसे बीज प्राप्त करना, ये एक क्या होता है, बीज का आधार। कभी कभार क्या है कि अपने फसल बोते हैं, इन सब चीजों का अपने उपयोग करते हैं, सिंचाई करते हैं, समय समय पे पेस्टिसाइड डालते हैं, कवकनाशी, शाकनाशी वगैरह यानी खरपतवार नष्ट करने के लिए निराई गुड़ाई करते हैं, अच्छे से उसकी सार संभाल करते हैं, लेकिन फिर भी फसल उत्पादन का वह स्तर नहीं रह पाता जो अपने चाहिए, यानी जो अपने चाहिए वो फसल उत्पादन का स्तर नहीं रह पाता। तो इसका कारण क्या, इसका कारण ये है कि हमारे पास एक अच्छी क्वालिटी का बीज नहीं था, यानी उत्तम बीज या उन्नत बीज नहीं था, उन्नत क्वालिटी का बीज नहीं।
अपने देश में किसानों को केवल 12% ही उन्नत बीज उपलब्ध हो पाता है। कितना? 12%। कौन सा? उन्नत बीज। ठीक है, ये है उन्नत बीज। यानी अपने देश में किसानों को केवल उन्नत बीज यानी 12% ही प्राप्त हो पाता है, 12% उन्नत बीज ही प्राप्त हो पाता है। इसीलिए इसको बढ़ाने के लिए यानी इस स्तर को बढ़ाने के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। आई बात समझ में? अब बात आती है कि उन्नत बीज यानी एक अच्छी क्वालिटी का, एक अच्छी किस्म का बीज है, उसके क्या क्या गुण होने चाहिए। अब ध्यान से सुनो, उत्तम बीज के क्या गुण होते हैं। मोटी मोटी बात आपके समझ में आई कि बीज क्या होता है, बीज का डेफिनेशन क्या है, और भारत में उन्नत बीज का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है वो किसानों को मिल पाता है। ये चीजें आप उत्तम बीज के क्या गुण होते हैं। सबसे पहली बात, आनुवंशिक शुद्धता। मुख्य बात यही, दो तीन चीजें हैं इसमें मैं आपको बता दे रहा हूं। एक तो होती है आनुवंशिक शुद्धता, ठीक है। दूसरा होता है बीज कोष, बीज कोष। तीसरी बात इसमें है अंकुरण क्षमता, बीज और अंकुरण क्षमता। अब देखो, इसके अलावा अंकुरण क्षमता, इसके अलावा भौतिक शुद्धता, फिजिकल कंडीशन यानी बीजों की भौतिक शुद्धता कैसी होती है। भौतिक शुद्धता के बारे में आप जानते हो, यानी भौतिक शुद्धता मतलब किसी भी प्रकार का अपने कोई भी बीज लेते हैं उसमें कंकड़ पत्थर या कटे टूटे हुए बीज नहीं होने चाहिए, साफ सुथरे बीज होने चाहिए। अन्य किस्मों के या अन्य पौधे के जैसे गेहूं में सरसों का पौधा उगाता है, ठीक है, इस प्रकार चने का पौधा उगाता है, ग्वार का, यानी दूसरी किस्म यानी दूसरी फसल के बीज मिक्स नहीं होने चाहिए। वो तो होती है बीज की भौतिक शुद्धता। तो मैं ये लिख देता हूँ भौतिक शुद्धता, हालांकि आसान सी बात है ये भौतिक शुद्धता। तो इस पर अपनी बात कर लेते हैं, फिर बात करें आनुवंशिक शुद्धता क्या होती है। कि आनुवंशिक शुद्धता, उत्तम बीज का मुख्य लक्षण उसकी आनुवंशिक शुद्धता है। उत्तम बीज का जो उत्तम बीज की जो मुख्य विशेषता है वो है आनुवंशिक शुद्धता। यदि आनुवंशिक शुद्धता का अर्थ होता है कि अपने कोई प्लांट तैयार किया है, ठीक है, प्लांट तैयार किया है, उस प्लांट में क्या है कि कोई अन्य फसल का पौधा नहीं था, कोई अन्य फसल का पौधा नहीं था, ना ही उसमें खरपतवार के पौधे थे, बिल्कुल प्रमाणित रूप से तैयार किया। जैसे प्रमाणीकरण संस्थाएं होती है, राजकीय फार्म होते हैं, कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं, वहां पे ये बीज तैयार होते हैं, ठीक, प्रमाणित किए जाते हैं, सरकार द्वारा उन पे टैग लगा दिया जाता है। जैसे कई आधार बीज होता है, ये आगे बताऊंगा मैं आपको, प्रमाणित बीज होता है, न्यूक्लियस सीड होता है, केंद्रक बीज बोलते हैं इसको, प्रजनक बीज बोलते हैं, ठीक है, इन पे क्या टैग लगा दिया जाता है, पीला नीला सफ़ेद, ये क्वालिटी के जो लेवल होते हैं वो लगते हैं जिसने भी तैयार किया। समझ में आई बात? तो आनुवंशिक शुद्धता का मतलब होता है कि उसके उस बीज में किसी भी प्रकार की दूसरे किस्मों का बीज है वो मिक्स नहीं होना चाहिए। और मुख्य विशेषता क्या है, ये तो एक साधारण सी आनुवंशिक शुद्धता का मुख्य विशेषता, उसकी मुख्य विशेषता क्या है कि वो उस बीज, जो बीज अपने बोया है उसी के अनुरूप होना चाहिए, उसके जैसा साफ सुथरा चमकीला मोटा, ठीक है, पूरा पका हुआ बीज होना चाहिए, अपरिपक्व। ये उस आनुवंशिक, उस बीज की आनुवंशिक लक्षण होते हैं, उस बीज के उत्तम बीज के आनुवंशिक लक्षण। दूसरा इसमें कौन सा है, देखो आप, बीज ओज। बीज ओज का मतलब होता है बीज की उम्र, ठीक है, उसकी आयु, उसकी आयु से होता है। बीज ओज का मतलब होता है उसकी आयु से, यानी नया बीज है जो नया बीज है अपने नया है, या फिर पुराना, जैसे अपने कोई पुराना बीज भी बोते हैं, 5-7 साल पहले बड़ा बीज है वो बो देते हैं, तो उसकी अंकुरण क्षमता कम होती है।
एक नया बीज है, ठीक है, ताज़ा बीज है जो मतलब जिस पे मैन्युफैक्चरिंग डेट लगी होती है कि 2021 में या 2020 में, ठीक है, 2018-19 इस तरह से होता है ना, अभी इस दिन ये तैयार किया गया था, तो वो बीज बोते हैं। तो उस बीज यानी पुराने बीज की तुलना में जो नया बीज होता है उसकी अंकुरण क्षमता क्या होती है, ज़्यादा होती है। इसीलिए जो बीज नवीन रूप या नए रूप में तैयार हुआ है, नया बीज तैयार हुआ है, तो वो बोना चाहिए। अब इसमें किसी बात पूछ रहे हैं अंकुर अंकुरण प्रतिशत, हर बीज का अंकुरण प्रतिशत होता है वो अलग अलग होता है, ये बात आप ध्यान में रखना। जैसे मान लिया कि मैं आपको बताता हूँ एक दो, जैसे गेहूं जो योजना इसकी गेहूं जो चना याद रह जाएगा आपके, जैसे मैं दे रहा हूँ गेहूं जो और चना। अब गेहूं जो चना है इनकी अंकुरण क्षमता कितनी होती है, 85% के लगभग होती है, 85% होती है। और इसी रूप में अपने देखें मूंगफली सोयाबीन इसकी 75% होती है, कपास की सबसे कम होती है कितनी होती है, 65% होती है कपास की, ठीक है। ये बीजों की अंकुरण क्षमता होती है, उगने की क्षमता जिसे कहते हैं, है? इसके अलावा इन बीजों में जैसे बीज लेते वक्त हमें ये भी ध्यान में रखना चाहिए नमी की मात्रा, रोग मुक्त आप जानते हो, रोग मुक्त होने चाहिए बीज, रोग मुक्त होने चाहिए, ठीक है। नमी की मात्रा यानी बीजों में यदि ज़्यादा नमी है तो उसमें कवक या फफूंदी जैसे रोग लगने की संभावना रहती है, इसीलिए भंडारण करते समय बीजों में नमी की मात्रा 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितनी, 12% से अधिक नहीं होनी चाहिए इस चीज़ की नमी की मात्रा कब भंडारण करते समय, ध्यान रखना इस बात का। और तीसरा होता है उसकी वैल्यू, वास्तविक उपयोगिता मान वो कितना होता है, वास्तविक उपयोगिता वो कितना होता है 75% होना चाहिए। अच्छे बीज का वास्तविक उपयोगिता जो मान होता है वो 75% से कम नहीं होना चाहिए। ये क्या है कि बीजों के यानी उन्नत बीजों के गुण है, ठीक है। बीज क्या है और उन्नत बीज, आज देश में उन्नत बीज किसानों को कितना प्राप्त हो रहा है, 12% के लगभग हो रहा है। एक और बताया था मैंने 12% जो नमी की मात्रा रखी जाती है कब, भंडारण के समय, ठीक है। तो ये क्या थे, एक उत्तम यानी उन्नत बीजों के, अच्छी क्वालिटी के बीजों के गुण हैं, ठीक है। इन गुणों को ध्यान में रख के ही अपने खेती के रूप में या फसल के रूप में इन बीजों का उपयोग करना चाहिए। तो ये बात थी कि अपने आज बीज का जो परिचय है वो किया है, बीज क्या होता है, ठीक है। क्योंकि एग्रीकल्चर अपने शुरू से कर रहे हैं तो जीरो से ही अपने शुरू कर रहे हैं, अभी पहले मैंने बताया अभी कृषि क्या चीज़ होती है, कृषि किसे कहते हैं, एग्रोनॉमी इसकी शाखा है, जो ब्रांचेज हैं इनके बारे में बात की। आप बीज से प्रारंभ करते हैं फिर फसल आगे पौधा उगाते चले जाएंगे ठेठ उसको जब तक पकेगा नहीं तब तक अपने इसको एकदम तैयार कर देंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इस चीज़ें कुछ समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को थोड़ा दोबारा से आप रिवाइज करके देख लेना, आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अपने नेक्स्ट इसमें तैयार करेंगे बीज उत्पादन, यानी ये तो बीज था, अब उत्तम बीज के गुण मैंने आपको बताए, बीज किसे कहते हैं ये आपको पता चल गया। अब इसमें आते हैं भी बीज उत्पादन, ठीक है। उन्नत किस्म के बीजों का उत्पादन कैसे किया जाता है, कैसे तैयार करते हैं, इसके बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।